मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि मैं अगर हिसार में आऊं और आपसे ये कहूं कि मुझे हिसार के किसी म्युनिसिपल स्कूल में चपरासी बना दो, तो आप कहोगे राजीव भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं कहूं मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप मुझे म्युनिसिपल स्कूल का चपरासी भी नहीं बनाओगे। और कल को मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन के आ गया तब क्या करोगे? उसी जीरो क्वालिफिकेशन पर मैं हरियाणा का अगर चीफ मिनिस्टर बनकर आया तो आप मेरे गले को मालाओं से लाद दोगे और जिंदाबाद इतनी करोगे तो सारा शहर बहरा हो जाए। ये विडंबना है हमारे देश की। जिस व्यक्ति को मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर किसी स्कूल का चपरासी नहीं बनाया जा सकता, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। विडंबना इस देश की पता है क्या है? जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं जोता वो कृषि मंत्री। सालों साल इस देश में शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए। मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आपको सब पता है। इस देश में एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान नहीं चलाई, वो देश का वर्षों वाणिज्य मंत्री रहा, जिसने दुकान नहीं चलाई कभी। फाइनेंस का जिसको एबीसीडी नहीं आता वो सालों साल इस देश में वित्त मंत्री रहता है। जिसने कभी अपने बेटे और बेटियों को भारत की सेना के लिए भेजा नहीं कुर्बान होने को, वो देश का रक्षा मंत्री हो सकता है। और जिसको अपनी रक्षा करने के लिए सैकड़ों जवान लगते हैं, वो देश की क्या रक्षा करेगा? सोचो आप। जिस व्यक्ति को जिंदगी में कभी विज्ञान और तकनीकी का अंतर पता नहीं है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री हो सकता है। और जिसको इनमें से कुछ भी पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है।